तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए खाना पीना खा के और चल दिए हैं। पहले स्टॉप देखते कै किलोमीटर खींच पाते हैं। और जब भी आप लोग आए तो इस सब चीज़ का ध्यान रखें, और जो भी जैसे नहाने धोने के टाइम पे अपने सामानों का खास करके ध्यान रखें। हम लोग के तीन बंदे होते हुए भी सामान गायब हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। ये देखिए सारे खच्चर हैं ये, और यहाँ से भी राइड लोग कर रहा है। देखिए राइड यहाँ से चालू है, इसका प्राइसिंग वगैरह हर जगह लिखा हुआ है। चलिए फिर, और काफ़ी लेट हो गए हम लोग, 3 बज गया है अभी। जस्ट हम लोग 1 किलोमीटर करीब भी नहीं चढ़े हैं ना, इस वाले डिस्टेंस पे 1 किलोमीटर भी नहीं आ पाए और 3 बज चुका है। तो आज का तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश पूरा रहेगा, नहीं तो हम लोग ऊपर ही शेल्टर्स जो बने हुए हैं वहीं पे रुकेंगे। ये देखो ये पानी का है ना, नहीं ऊपर से बम्मा जो लीक है, और थोड़ा सा मन सबका उदास है। थोड़ा सा मन सबका उदास है क्योंकि हैपनिंग हो गया, उसका पूरा वॉलेट गायब हो गया उसका, इसके वजह से। खैर जो हुआ उसे भूल के हम लोग चल दिए आगे। थोड़ा सा ज़्यादा निराश है क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा था, डॉक्यूमेंट उसका। और आपको भी पता होगा अब अगर वॉलेट खोती है तो पैसे का उतना गम नहीं होता जितनी कि डॉक्यूमेंट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हमने हालांकि वहाँ पे सूचना दे दिया है, लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हम देख सकते हैं। रोड एक्चुअल में घोड़े गाड़ी और ऐसे बहुत ज़्यादा जाम हो जा रहा है पहले ही, तो पैदल चलने वाले लोग के लिए जगह ही नहीं बच रहा है। मम्मी थोड़ी ज़्यादा थक गई है, बाकी सब तो ठीक है, मम्मी थोड़ा सा दिक्कत है। जगह जगह पे यहाँ प्रसाद का भी पूरा नियंत्रण है, देख सकते हैं भंडारा वगैरह चलता रहता है, प्रसाद का ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छी प्रसाद और पानी। सही पूछिए तो हालत ख़राब हो चुका है इतनी देर में, और काफ़ी समय बाद मुझे मंकीज दिखाई दी इस तरह। देखिए पालकी, बोलो जय माता दी, बोलते चलो जय माता दी। दोस्तों 1.5 किलोमीटर चलने में भी सबका हालत प्रस्त हो गया है, देख सकते हैं इनकी कंडीशन। सबसे ज़्यादा दिक्कत मम्मी को हो रहा है थोड़ा सा, उनके लिए देखते हैं थोड़ी देर और चला के फिर कोई व्हीकल वगैरह का फैसिलिटी होगा तो वो करा देंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस हो गया, जोर लगा के चला जाए 3 घंटा चलने। हम लोग चढ़ जाएंगे 3 घंटे में, लेकिन फैमिली है ना। जय माता दी, सारे बोलो, तुम लोग बोल ही नहीं रहे भाई। धीरे धीरे एक एक स्टेप रखते हुए मंजिल के करीब जा रहे हैं हम लोग। वैसे ही हालत खराब हो रहा है और टाइम हमारा ख़त्म होता जा रहा है। उसी के साथ 3:40 हो गया है, और जैसे ही बता रहा है 1 किलोमीटर ही हम लोग आ पाए। सही में यार 1 किलोमीटर नहीं, ओह अकेला है इसलिए ना आके बैठा है। ये लोग देखिए सिंगल है तो इसलिए भाग रहा है, कह रहा है क्या चल रहे हो भाई, चलने के लिए हम लोग भी चल देंगे।
भी चढ़ने सीढ़ी चढ़ने में सबका हालत खराब है। ऐसे मत करा भाई, अभी हाथ दौड़ के चलो ना, अभी तो पांच छब्बीस आया भी नहीं। हमने तो कहा दौड़ के चढ़ जाए, सब जितने भी चढ़ने वाले हैं सब एनर्जी लॉस। 500 स्टेयर्स है ना, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा लगता है एक बैग। संजय दरबार की जय। आगे ना। लेकिन इसके बाद जो भी हमारा जो रोड आ जाएगा उस पर हम लोग ले लेंगे, इस स्टेयर्स से नहीं चलेंगे। ये देखो ये एक नया तरीका चुन्नी का यार, हर जगह यही है, छोटे छोटे बच्चे बैठे। फाइनल पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। बस हम पहुंच चुके हैं, सामने आ गए हैं लगभग, बस यहीं पे खत्म होगा स्टेयर्स। इसके बाद रोड आ जाएगा तो हम लोग रोड ही लेंगे, आप लोग भी आइए तो रोड से ज़्यादा कीजिए आने का। गर्ल्स वगैरह सबका हालत ख़राब है, देख सकते हैं क्या यंग क्या वरिष्ठ हो क्या गर्ल्स, सब एक जैसे, एनर्जी काफ़ी लॉस हो जाता है। मुझे दिखाओ, मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं। और टाइम अपने गति से चलता हुआ 4:30 हालांकि बज गया, 4:30 हो गया भाई, हमें लगभग 6:30 बज जाएगा, भाई सुबह से हम लोग चल रहे हैं। अभी तो 700 सीढ़ी वाला चढ़े बाकी बात, 10-11 बजे ट्रेन आ गई थी 11 बजे से। जो भी लोग उतर रहे हैं ये लोग कल के चढ़े हुए हैं, जिन्होंने सुबह दर्शन करके अभी आ रहे हैं। हम लोग भी कल ही उतरेंगे, हाँ हम लोग भी लगभग कल ही उतरेंगे, आज का तो कोई प्लानिंग नहीं है। और इस टाइम तो उतर अभी तो चढ़ जाए, वही साइड हो जाए, साइड हो जाए, साइड साइड ये गहलाई। अरे मैं तो वो जो चढ़ा रहे हैं ना बच्चे वाला झूला, वो कितनी तेज ले जा रहे हैं भाई वेट ले के, हम लोग सिंगल अपना शरीर नहीं खींच पा रहे। हम लोग एक्सपीरियंस हो गया डेली चढ़ने के लिए, हाँ हमारे। और घोड़ा घोड़ा गाड़ी जो है उसके पीछे जो चलाने वाले हैं, देखो साइड 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 भाई, तू गलत साइड आ ही रहा है, इस साइड आना, चढ़ने वाला साइड आ रहा है। स्टेयर्स भी यहाँ खतरनाक है, टूटा हुआ है, ध्यान से नहीं चढ़ने में पैर स्लिप होगा, उल्टा उतर ही रहे। आ जाओ सारे थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, सबका हालत खराब है, बैठ जाइए ना। ओ घोड़ा है, घोड़ा घास ही खाएगा भाई, और क्या खाएगा, खा रहा है वही हुआ दादी। मतलब कि जो ऑन फुट आ रहे हैं उन लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं बचा, दोनों तरफ से घोड़ा गाड़ी और इस टाइप के ट्रोली टाइप का बच्चों वाला, तो जो स्पेस पैदल चलने वालों के लिए है वो है ही नहीं बिल्कुल, जैसे कि आप देखिएगा तो काफ़ी कम स्पेस में चलना पड़ता है। देखिए ये देखिए, उतरने में इनमें रिक्स भी है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी बैठा लिया जा रहा है तो गिरने का चांसेस सबसे ज़्यादा है इन सब जगहों पे। नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यार चढ़ने में ही सबका हालत ख़राब हो गया है, तो जब भी आप आएँ तो कोशिश करें सुबह ही का ट्रेन आने के, ताकि टाइमली आप लोग निकल सकें। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि चढ़ने की वजह से, वैसे मौसम नॉर्मल है, चढ़ाई करने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा शरीर दे रहा है। एवरीबॉडी अभी यहाँ पे जितने भी हैं सबका ऐसा ही हालत है, चाहे वो नौजवान हो या यंग हो, सॉरी यंग हो या वरिष्ठ हो, सबका यही हालत है। और जो भी आप लोग आएँ तो कोशिश करें इससे आने का, जो रोड है स्टेयर्स का प्रयोग ना करें लंबे वाले। यहाँ से 1 किलोमीटर करीब और बचा है हमारा, माँ भगवती की मंदिर के पास आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा थक गए,
सबका ले जाए तो ये लोग सब बाकी साथी सब आगे निकल गए। दिख नहीं रहा कोई। हाँ वो रहा, मैं पकड़ता हूँ। जय माता। देख सकते काफी ज्यादा भीड़ कोई है। ओए विकास रुक जाओ। इधर क्या है?